हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर से एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हमारा पनाक स्पेस। ठीक है, अब ये जो टाइप टॉपिक है ये भी हमारा क्या है, फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड है और ये भी हमारा एमएससी फोर्थ सेम का ही एक टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने से पहले इससे अगर इस टॉपिक को समझना है आपको तो आपको क्या है पता होना चाहिए हमारा कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस किसे कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, हमारा क्या होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है, आप इसको समझने के लिए इससे जो पहले वाली वीडियो है जो कि हमारी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, अगर आप उसको देख लेंगे तो क्या है आपको ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी अगर आप उसको देख लेंगे तो। ठीक है, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्रांच स्पेस, हमारा जो पनाक स्पेस है वो हमारा क्या होता है। तो अब उसकी सबसे पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन। सही है, तो डेफिनेशन जब मैं पढ़ूँ तो आप ध्यान से देखना कि डेफिनेशन में अ कम्प्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, क्या बोला है यहाँ पर, अ कम्प्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, इज कॉल्ड अ पनाक स्पेस, उसको क्या बोलते हैं हम, पनाक स्पेस बोलते हैं। अब क्या बोला कि कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को ही क्या बोलते हैं, पनाक स्पेस बोलते हैं, यही बोला उसने। अब क्या है, तो पनाक स्पेस किससे बना हुआ है, कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से। ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच डैट या इसलिए कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस किससे बना हुआ है, कंप्लीट स्पेस से। ठीक है, यही तो है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पनाक स्पेस को बताने के लिए, अब कोई हमें दे रखा है कि हमसे पूछ रहा है कि इसको पनाक स्पेस अब प्रूफ करना है, आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले उसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्या है, कम्प्लीट स्पेस है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को प्रूफ करना है, अगर ये दो चीज़ हम प्रूफ कर देंगे तो जो हमें दिया हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पनाक स्पेस। ठीक है, अब नॉर्म्ड लीनियर स्पेस मैंने अपने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता दिया है, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में। और क्या है, जो हमारा कम्प्लीट स्पेस है ये शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं ये यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो पहले क्या है, ये तीनों कंडीशंस हैं जो कि किसी नॉर्म लीनियर स्पेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म वन, नॉर्म टू, नॉर्म थ्री, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पहले ही बताया था मैंने कि जो हमारा नॉर्म एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जो उसका नॉर्म एक्स होगा वो बराबर किसके होगा, जीरो के, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स बराबर किसके होगा, जीरो के। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉर्म एक्स प्लस वाई बराबर, मतलब कि लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। ऐसे ही यहाँ पर किसी भी जो हमारा स्केलर उसकी क्या मल्टीप्लाई करा दें, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स बराबर होगा मोड में अल्फा और नॉर्म ऑफ एस के। अगर ये तीन कंडीशन को क्या है सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा होगा नॉर्म लीनियर स्पेस। अब देखेंगे हम कि कंप्लीट स्पेस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेशन नहीं पता तो फिर भी एक बार मतलब मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी कॉची सीक्वेंस हमारे पास है वो क्या हो, कन्वर्जेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट स्पेस बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर मेन आपको याद ना रहे तो आप इतनी डेफिनेशन लिख देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी है कंप्लीट की स्पेस की। ठीक है, तो अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, कोई भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, इज़ अ ब्रांच स्पेस, वो क्या होगा, ब्रांच स्पेस होगा कब होगा, इफ़ एवरी, ये तब होगा इफ़ एवरी, अब यहाँ से स्टार्ट है कि एवरी कॉची सिक्वेंस इन एक्स, इन एक्स के अंदर होगा कोई भी कॉची सिक्वेंस, वो क्या हो, कन्वर्जेंस हो टू सम पॉइंट ऑफ एक्स, किसी भी सम पॉइंट ऑफ एक्स के लिए क्या एक्स में क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्पेस। अब क्या है, अगर हमें ब्रांच पनाक स्पेस क्या है हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या है, दो चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो क्या हो, नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर स्पेस हो और क्या हो, कंप्लीट स्पेस हो।
ठीक है, तो ये भी प्रूफ करना पड़ेगा और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको और ढंग से समझाने के लिए मैं क्या एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, उसमें क्या आपको एक बार और एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल भी है, तो एग्ज़ाम्पल है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है आप देखते रहना कि वही जो मैंने बोला वैसे ही हम क्वेश्चन को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि प्रूव डैट सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई सेट है रियल नंबर्स का आर इज़ अ बना की स्पेस, वो क्या होगा बना की स्पेस होगा किसमें, अंडर द नॉर्म, नॉर्म का मतलब मैंने बताया है जो साइन होते हैं नॉर्मल, लेकिन जब ही कह रहा हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा सारा। तो नॉर्म डिफाइंड करा गया है, नॉर्म ऑफ एक्स बराबर होगा मोड एक्स के, और जो हमारा एक्स है स्मॉल एक्स वो क्या है बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, आर के अंदर बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब क्या है तो हमें क्या है इसको बना के स्पेस प्रूफ करना है। अब बना के स्पेस के डेफिनेशन में मैंने पहले ही बताया था, उसमें क्या है हमें नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा और कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर वही करेंगे टू प्रूफ नॉन लीनियर स्पेस। अब इसको प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशन होती है, तीनों यहाँ पर लगा देंगे। पहले क्या करेंगे कि नॉर्म ऑफ जो हमारा ये होता है नॉर्म ऑफ एक्स बराबर दे रखा है यहाँ पर एक्स पर, ये भी क्या होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, और ये क्या होते हैं ग्रेटर देन होता है, तो ये भी क्या होगा क्योंकि दोनों बराबर, ये भी तो ग्रेटर देन होगा जीरो से, और जो एक्स है वो एवरी एक्स किसके अंदर है हमारा आर के अंदर बिलोंग्स करता है। अब ये क्या है जो हमारा एक्स है वो क्या होगा बराबर होगा जीरो की, जैसी कंडीशन है हमारी है कंडीशन, अगर ये जीरो के बराबर है तो ये भी जीरो के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, हमें दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर भी किसके होगा जीरो के, होगा नहीं होगा, तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई सेटिस्फाई होगी क्योंकि हमारी पहली कंडीशन में भी यही आता है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में हमें क्या दे रखा है। अब जैसे यहाँ पर एक्स है, अगर इसकी जगह हम एक्स प्लस वाई रख दें तो बराबर होगा वो मोड में एक्स प्लस वाई के, होगा नहीं होगा, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ रख दें मोड में एक्स प्लस वाई बराबर होगा एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, तो यही आ जाएगा हमारा भी, यही आ गया और बराबर होगा इसके। तो ये क्या होते हैं हमारे लेस देन होते हैं अलग अलग नॉर्म मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई के, आ गया वही। अब जो मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई किसके बराबर है वाई जाएगा नॉर्म के, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो होता है हमारा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के, और जो एक्स वाई होते हैं वो हमारे किस में से जो हमारे रियल नंबर का एक सेट दे रखा है उसी में से। ठीक है, तो दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन है हमारा कोई भी हम क्या है यहाँ पर स्केलर ले सकते हैं, तो स्केलर ले लेंगे यहाँ पर अल्फा एक्स, हमने स्केलर ले लिया नॉर्म के अंदर, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर सेम जो यहाँ पर दे रखा है उसको देख के ही काम करेंगे तो बराबर होता है किसके मोड में अल्फा एक्स के, मोड में अलग कर लेंगे अगर यहाँ पर बचेगा हमारा ये बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे ये किसके बराबर है नॉर्म ऑफ एक्स के, है बराबर, यहाँ से लिख देंगे हम वही आ गई कंडीशन, और तीसरी कंडीशन हमारी यही थी, तो ये क्या हो गया हमारा आर क्या हो गया, जब ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जो हमारा आर है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सो आर इज़ अ नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, हो गया पहला प्रूफ। अब दूसरी प्रूफ क्या करना होगा हमें कि ये कंप्लीट स्पेस है, यानी कि जो उसका सिक्वेंस होगा किसी भी एक्स के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा किसके अंदर किसी भी पॉइंट एक्स पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कंप्लीटनेस या कंप्लीट स्पेस, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या है हम कोई भी एक सिक्वेंस ले लेंगे, लेट जो हमारा एक्स एन है वो क्या है बी या कॉची सिक्वेंस है किसके अंदर इन आर के अंदर। ठीक है, जब हम कोई भी सिक्वेंस ले लेंगे, आप कोई भी सिक्वेंस ले तो वो क्या होता है हमारा बाउंडेड होता है, या आप ध्यान रखना कोई भी सिक्वेंस लें वो क्या होता है बाउंडेड होता है। अब अगर बाउंडेड है तो वो जो हमारा एक्स एन है वो क्या होगा हैज रखेगा क्या रखेगा हमारा कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस, वो क्या रखेगा अगर वो बाउंडेड है तो जो हमारा एक्स एन है वो क्या रखेगा हमारा कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस रखेगा। अब अगर कोई भी कॉची सिक्वेंस, क्योंकि हमने लेट लेके चले थे कॉची सिक्वेंस, अब वो क्या रखता है हमारा यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि वो रखता है हमारा कन्वर्जेंट सिक्वेंस, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो हमारा कॉची सिक्वेंस है एक्स एन हैज़ रखेगा क्या रखेगा कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस। ठीक है,
आ गया। अब हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्स एन किसके अंदर था, आर के अंदर था, ये हमने लेट करा था, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि जो हमारा एक्स एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है किसके अंदर, इन आर के अंदर, ठीक है, कन्वर्जेंट है आर के अंदर। अगर वो आर के अंदर क्या कन्वर्जेंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट स्पेस, यही यहाँ पर लिखवाया था डेफिनेशन में। और कोई भी कोची सिक्वेंस होगा उसी पॉइंट पर क्या होगा, कन्वर्जेंस्ड होगा उस पॉइंट एक्स के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट स्पेस। तो ये आ गया कंप्लीट स्पेस। अगर हमने नॉन लीनियर स्पेस और कंप्लीट स्पेस प्रूफ कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, बनाग स्पेस। वो तो हम लास्ट में ये लिख देंगे कि आर क्या है हमारा, एक बनाग स्पेस है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल था। ऐसे एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो एक एग्जांपल मैंने लेके करा दिया जिससे क्या आपको ये क्वेश्चन क्या है, ये जो डेफिनेशन है आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, इससे जो पहली वाली वीडियो है यानी कि नॉन लीनियर स्पेस, वो आप ज़रूर देख लें। उसे देखने के बाद ही आप ये देखें, आपके लिए ये जो वीडियो मतलब कि बना के स्पेस है बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, लगातार ही जो हमारा फंक्शनल एनालिसिस की बुक है उसमें से लगातार ही टॉपिक आ रहे हैं, तो आप क्या है इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या है आपके दोस्तों को भी के पास भी ये टॉपिक मिल सकें, उन्हें पता चल सके कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप अगर किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट में बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या इसी तरीके के और टॉपिक चाहते हो आप तो आप क्या है बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे क्या है आपके पास क्या है सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके हम जो भी वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में, तब तक क्या है आप वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।